वो जो और जो 20 मिनट में एक लड़की की जिंदगी की एक जर्नी, उसके उतार चढ़ाव, उसके उसके फादर के साथ रिलेशन, उसके जिंदगी में जो दो मर्द आते हैं उनका रिलेशनशिप, इसका करियर पाथ, ये क्या करना चाहती थी, क्या हो गया और उसके बाद क्या कर रही है आगे, और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी को एक थर्ड पर्सपेक्टिव से एंड में देखती है जब इसका वॉइस ओवर आता है, तो उस वो आप 20 मिनट में आप फिल्म कर सकते हो। इन्होंने फेसबुक पे एक डाला था कि शी इज लुकिंग फॉर समबडी टू प्ले अ फादर, और कुछ एक उन्होंने एक बहुत रेफरेंस दिया था, तो मैंने तुरंत इनको मैसेज भेजा, मेरी दोस्त थी फेसबुक, मिले नहीं थे घर, और तुरंत उसके बाद ये मतलब इत्तेफाकन मुंबई में ही थी, फिर मेरे सेट पर आई, हमारी मुलाकात हुई, और मुझे लगा 10 मिनट की मुलाकात होगी, लेकिन जब इसमें क्या बनाना चाह रही हैं और क्या थॉट है इसके पीछे, इसकी फीलिंग्स क्या हैं, तो वो हमारी मीटिंग मेरे मेकअप रूम में ही करीबन 1.25 घंटे चली, और ये और जैसे इसने बताया मुझे लगा कि इसका जो पैशन है, इसकी जो ऑनेस्टी है, जो अपने फादर के प्रति फील करनी है, जो ह्यूमन जज्बात के बारे में फील करनी है, मुझे इस फिल्म का हिस्सा होना, और ये आई थिंक 3-4 महीने पहले की बात है, और तब से लेके इनकी जर्नी में मैं उनके साथ हूँ, एंड आई थिंक फाइनल प्रोडक्ट जो हुआ है, जो लक्ष्मी ने, बिकॉज है उनका बच्चा, मतलब अपा उनका बच्चा है इन टर्म्स ऑफ हर, आई मीन फादर बींग द चाइल्ड इज अनदर थिंग, बट दिस एंटायर प्रोजेक्ट इज़ हर बेबी, और मुझे लगता है कि जिस तरह से लक्ष्मी ने डायरेक्ट किया है या सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल किया, और जिस तरह से यूनिट इनके पैशन को एक्सेप्ट किया है, आई थिंक एंड प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा। सो फादर का रोल प्ले करना इन रियल लाइफ एंड आल्सो इन रियल लाइफ काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो इसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी देखी? देखो मैं वैसे रियल लाइफ में भी फादर हूँ, मेरा बेटा ऑलमोस्ट 11 साल का, लक्ष्मी मिल चुकी हूँ उससे, और मेरे फादर जो कि अभी बस 4 महीने पहले एक्सपायर हुए, तो ही डाइड एट द एज ऑफ 89, और पिछले 4 साल में मैंने अपने फादर में एक बच्चा देखा, और यही लक्ष्मी कह रही है कि एक एट द एंड एक हो जाता है कि हम जब छोटे होते हैं तो फादर हमारी उंगली पकड़ता है, और जब फादर छोटा जब बड़ा हो जाता है तो वो हमारी उंगली पकड़ता है, तो इट्स अ रिवर्सल, तो इसलिए लक्ष्मी इसको प्रीमियर भी 14 नवंबर को फादर की जो जिम्मेदारी होती है, फादर प्रोवाइडर भी होता है, फादर और फादर क्योंकि इंडियन फादर है तो अपने अफेक्शन दिखा नहीं पाता, और यहाँ पर क्योंकि फादर डॉटर की ऐसी रिलेशनशिप है, क्योंकि ये लोग झगड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं, और अडॉप्टेड डॉटर है और मुँह लगी है, कुछ भी बोल देती है, और उसके बाद एंड में अपनी जिद की करती है, लेकिन उसके बाद जब फादर इसका जब जानता है कि मेरी बच्ची के साथ ये हुआ है, जब वो स्टांस लेता है, तो एक टर्निंग पॉइंट है, और उसके बाद किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करती है, तो मैं जब सोचता कि अगर मेरी बेटी इस एज की होती और उसके साथ ही होता, तो आई थिंक मैं इसी तरह रिएक्ट करता जैसे अपा ने रिएक्ट किया, सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्लाइस ऑफ लाइफ, ट्रू टू लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम देखते हैं, और एक पहली बार ये है कि एक एक हिंदुस्तानी लड़की भी स्टांस ले रही है, उसका फादर भी स्टांस ले रहा है, और ये नहीं कि हम डिप्रेशन में, आगे ज़िंदगी चलती आगे होता है ना, अगर हम सिर्फ पुराने रिश्तों को या गंदे रिश्तों या गंदे संबंधों को अगर हम पकड़ के रहें, झगड़ के रहें, तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, बट इसमें ये कुछ नहीं, इट एंड्स ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, इट एंड्स ऑन ऑप्टिमिस्टिक नोट, और लक्ष्मी की पर्सनल लाइफ से काफ़ी इंसिडेंट्स इसमें यू नो आधारित हैं, वो खुद ही बताएंगे, लेकिन यस जब हमने सुना स्क्रिप्ट और जब जिस तरह से हमने शूट किया, फिर जो हमने म्यूचुअली सारे एक्टरों ने वर्कआउट करके लक्ष्मी के साथ चेंजेस किए हैं, और जो एक फादर डॉटर इमोशन, हस्बैंड वाइफ इमोशन जो रियल होता है, वो एक्सप्लोर करना।